दोस्तों फाइनली Redmi ने उसके Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro दोनों को ही इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और दोनों स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ही भयंकर रखी है, पूरा किल करके रख दिया है कंपनी ने Redmi ने। ये दूसरे कंपनी को बंद करवाएगी क्या? आप देखो इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ जानो, आखिर क्या आपको कंपनी ने स्पेसिफिकेशन दी है। लेकिन यहाँ पर Redmi Note 7 में आपको एक कमी देखने को मिल रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं Redmi के Note 7 और Note 7 Pro के बारे में। सो यार, इट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन को प्रेस इवेंट में शोकेस कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि यार Redmi Note 7 Pro यहाँ पर आपको बहुत ही भयंकर स्मार्टफोन लगने वाला है। तो चलिए इन दोनों की स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं। हाँ, तो Redmi की Note 7 और Note 7 Pro में आपको दोनों में ही 6.3 इंचेस की वाटरप्रूफ नॉच के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है। यानी डिस्प्ले में दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर ही काम करते हैं। साथ में कॉर्निंग और ग्लास 5 का अपडेटेशन आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा, और भी आपको इसमें डिस्प्ले में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे सनलाइट डिस्प्ले मोड्स, रीडिंग मोड्स, और भी कुछ से मोड है इनकी, क्या पता काय काय के फना ले। साथ ही में Redmi Note 7 में आपको Snapdragon का 660 चिपसेट देखने को मिलता है। वही Redmi Note 7 में आपको सुनना कौन सा ऑपरेशन मिल रहा है, यहाँ पर आपको Snapdragon का 675 चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि आप अभी Vivo के V15 Pro में देख चुके हैं। साथ ही में ये स्मार्टफोन यानी कि Vivo के V15 Pro में 28,000 में चिपसेट देखने को मिला था, और अभी Redmi ने इसे कितने कम प्राइस पे दिया है अभी सुनना आप। साथ में इसकी प्राइस बताऊंगा मैं आपको, तो मैं आपको पहले बता दूं परफॉर्मेंस आपको Redmi की Note 7 Pro में Note 7 से बेहतर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चिपसेट का बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको कि जो मेजर डिफरेंस आ रहा है चाइना के वर्जन और इंडिया के वर्जन में Redmi Note 7 में, वो ये कि चाइना में Redmi Note 7 को 48 मेगापिक्सल के साथ लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पर एक गलती कर दी Xiaomi ने कि उसने यहाँ पर इंडिया में इसको 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया है। वहाँ पर 48+5 के साथ लॉन्च किया था, यहाँ पर 12+2 के साथ किया है। यानी कि यहाँ पर आपको कैमरा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है चाइना वर्जन के मुकाबले। इसके अलावा Redmi की Note 7 Pro में वही आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल रहा है। साथ ही में इसमें आपको सोनी IMX586 सेंसर देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल के कैमरा में, और तो लॉन्च भी हो गया वही मिलेगा। और अगर इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 4000mAh की बैटरी दे दी है कंपनी ने खुले आम। साथ ही में क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाइप सी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। कुछ और फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, IR सेंसर, ड्यूल 4G वोल्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, ग्लोनेस, USB टाइप सी और 2-3 फीचर और शामिल है। अब बात कर लेते हैं फाइनल इनके प्राइस की। इसके स्पेसिफिकेशन तो मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप इनके खास प्राइस की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले आप इनके कलर वेरिएंट भी सुन लीजिए। Redmi Note 7 Pro के कंपनी ने नेपट्यून ब्लू, विलर रेड और स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन में लॉन्च करा है। साथ ही में 13 मार्च से इस हैंडसेट को आप बड़े ही आराम से परचेस कर पाएंगे। 13 मार्च याद रखना डेट। साथ ही में अगर इसके वेरिएंट की बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले Redmi की Note 7 Pro की बात कर लेते हैं, उसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो उसकी प्राइस ज़्यादा डिमांड में है कि उसकी आप उसको ले सकते हो शायद। तो 4GB प्लस 64GB वाले वेरिएंट की कंपनी ने प्राइस रखी है 14,000 रुपये। जी हाँ, यानी कि 13,999 रुपये रखी है, लेकिन 1 रुपया भी वो कार्ड छोड़ने वाले हैं, वो 14,000 रुपये का पड़ेगा आपको ये। इसमें आपको ध्यान रखना सोनी का IMX सेंसर भी देखने को मिल रहा है, और साथ में स्नैपड्रैगन 675 भी। वो इसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको 16,999 रुपये यानी कि 17,000 रुपये में पड़ने वाला है। तो बहुत ही किलर प्राइस रखी यहाँ पे Xiaomi ने, यानी कि Redmi ने। आप तो सब ब्रांड बन चुकी है, तो Redmi यहाँ पर बहुत ही कमाल कर रही है, और Redmi और Samsung के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, और आने वाले समय में अब देखते हैं कि कौन आगे निकल पाता है। अब वही Redmi की Note 7 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 3GB और 32GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी है केवल 9,999 रुपये। इसका एक और वेरिएंट है 4GB प्लस 64GB, उसकी प्राइस रखी गई है कंपनी ने 11,999 रुपये। तो आप मेरी बात सुनो, तो आप इसमें Redmi की Note 7 पे तो ध्यान में देना, लेकिन अगर आपका बजट 10,000 तक का तो आप इस पे जा सकते हैं, वरना आप Redmi की Note 7 Pro पे जा सकते हैं। 2-3 हज़ार रुपये महीने के बचा के आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा दमदार स्मार्टफोन है। तो आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बस आज वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।